न्यू गिरिडीह स्टेशन से 17 अगस्त से इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ट्रेन का उद्घाटन करेंगी। यह जानकारी पूर्वी रेलवे के परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रदीप अग्रवाल और चैंबर के पूर्व उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा मुकेश जालान ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में उनके साथ चैंबर के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष और चैंबर के कार्यकारिणी सदस्य और सचिव ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार सहित अन्य लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद न्यू गिरिडीह कोडरमा रेल मार्ग से पटना कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन देने पर सहमति मिली है। बोल रहा था कि जो ट्रेन जो धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाई थी गिरिडीह से रांची के लिए जो ट्रेन की घोषणा हुई थी, वो वहां जाने के बाद में हम लोगों को उसकी पक्की तारीख के बारे में मालूम हुआ और माननीय हमारे जो सांसद शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने 17 तारीख को बोला, ये 17 अगस्त को वो ट्रेन को जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसकी कंफर्मेशन हमने रेल मंत्रालय से भी ली और रेल मंत्रालय से भी है, जो हम लोगों की गिरिडीह से जो रेल की समस्याएं हैं, गिरिडीह में हम लोग पूरे आज इतना पूरा सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, लेकिन हम लोग रेल सुविधा से कटे हुए हैं। तो हम लोगों ने ये बताया कि गिरिडीह की आबादी लगभग 27 लाख है और कोडरमा की लगभग 17-18 लाख है, तो ये ट्रेन की सुविधा अगर नहीं चालू होगी तो 45 लाख की जनता जो है प्रभावित हो रखी है, और ये अगर ट्रेन आप देते हैं तो हम लोग की 45 लाख की जनता को इससे फायदा मिलने वाला है। तो उन्होंने काफी गंभीरता से लिया और इस बात में उन्होंने तुरंत हम लोगों की बात सुनकर उन्होंने रेल भवन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग से मिलने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि इन लोगों की बातों को सब नोट किया जाए और गंभीरता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।